हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशंस इन प्लांट डिस्कस किया था। उसमें हमने जो ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ वाटर उसके बारे में डिस्कस किया। नाउ इन दिस वीडियो ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ फूड हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन ध्यान रखना कि जब किसी फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन। ओके, अब आगे हम बात करें तो प्लांट में क्या होता है। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड बनाता है। अब ये जो फूड है लीफ में बनता है, बट लीफ में तो वो बनेगा लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पूरे प्लांट बॉडी में होगी, रूट से लेकर टिप तक होगी। तो सारे पार्ट में क्या होता है, ये फूड ट्रांसफर होगा ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू, राइट। तो हमने आगे डिस्कस किया था कि वाटर ट्रांसफर करने के लिए तो प्लांट में जाइलम है, राइट। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाइलम बनाता है, उसके थ्रू पूरे रूट से लेकर टिप तक सारी जगह पे जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसफर होता है। तो उसी तरह से फ्रूट ट्रांसफर करने के लिए प्लांट में होती है फ्लोएम। ओके, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम प्लांट जो है अपना जो भी फूड है वो रूट से लेकर टिप तक सारे पार्ट में फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके स्टूडेंट, आपने देखा होगा सम ऑफ द ट्रीज कैसे होते हैं, तो वो मंथ के लिए अपनी जो लीव्स है उसे फॉल डाउन कर देते हैं, राइट। तो ऐसे ट्रीज में क्या होता है, तो सम ऑफ द ट्रीज क्या करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करके एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड को रूट में स्टोर कर देते हैं, राइट। रूट में जाके वो स्टोर हुआ, बाद में कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे जब न्यू बर्ड्स खिलेंगे, राइट, नए बर्ड्स ग्रो होंगे या फ्रूट जर्मिनेट होगा, सीड जर्मिनेट होगा, एट दैट टाइम फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो स्टोर फूड है वो दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होगा या फिर फोटोसिंथेसिस करके ट्रांसपोर्टेशन होगा। फूड के साथ साथ हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट तो है, बट अदर मटेरियल्स लाइक अमाइनो एसिड्स हो या अनदर न्यूट्रिएंट हो, उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या किससे होगा, तो फ्लोएम से ही होगा। तो स्टूडेंट किस तरह से होगा, तो फ्लोएम में भी स्टूडेंट आप देखो तो फ्लोएम में आपको सील ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर्स में आप स्टूडेंट देखो तो ये जो सील ट्यूब है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आप देखो तो इस तरह से वे लाइक स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट ध्यान रखना, प्लांट सील ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना कि प्लांट सील ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। उसकी सारे जो फंक्शंस है उसके नियर बाय में जो कंपेनियन सेल होता है, ओके, ये है सील ट्यूब्स एंड ये है कंपेनियन सेल। ओके, तो कंपेनियन सेल जो है वो इसके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब यहां पे है स्टूडेंट, समझो कि यहां से ट्रांस हो रही है, ये है जाइलम। अब स्टूडेंट क्या होगा, तो जो भी फूड है, ओके, वो फूड जो है वो प्लांट के अदर टिश्यूज में से, ऑफकोर्स लीफ में से बना हुआ है, ओके, तो प्लांट में अदर टिश्यूज जैसे कि पैरेन्काइमा, फ्लोएम, पैरेन्काइमा जैसे टिश्यूज में से विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी वो एडिशनल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो स्टूडेंट क्या होगा कि
प्लांट के लीव में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, फूड फॉर्म हुआ। अब ये फूड को ये जो अनदर टिश्यूज होंगे लाइक पैरेन्काइमा, कौन से पैरेन्काइमा, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा में से क्या होगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी को यूज करके जो भी फूड है वो कंपेनियन सेल के थ्रू कहां तक आएगा, सीव ट्यूब्स में आएगा। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे फूड आ गया तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो भी सुगर मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट है उसका लेवल बढ़ गया और वाटर का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने आगे स्टडी किया था कि बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट क्या होता है, तो वाटर जो भी है या अनदर सब्सटेंस मूव हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आता है। अब वाटर एक्सेस आ गया यहाँ पे, सो दैट यहाँ पे अब वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई, तो ये फूड मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पे जो सी पोर्स है उसके थ्रू सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ओके, और यहां से ट्रांसपोर्ट हो गए, क्या होगा, यहां से ट्रांसपोर्ट हो गए निकल गए, तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे वापस जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कम हो गया, सो दैट वाटर अपना काम करके वापस अपनी जगह पे चला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस और जो प्रेशर किस तरह से जनरेट होता है वो क्लियर है कि पहले तो फ्लोएम में कौन काम करता है, सीव ट्यूब्स और सीव पोर्स कंपेनियन सेल। ओके, क्या हुआ, तो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया, फूड को क्या, तो पैरेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा में से एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज करके कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब में। अब यहाँ पे तो बहुत सारा फूड आ गया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सो दैट वाटर आएगा और वाटर के थ्रू अब यहाँ पे ये जो सीव पोर्स है इसको पूरा वे प्रोवाइड करेंगे और फूड पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर, और जैसे ही यहाँ से सब जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो पास आउट हो गया तो वाटर अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल क्लियर है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के बाद या फिर जो प्लांट अपना एक्स्ट्रा फूड है उसे रूट में जो स्टोर करता है एज अ रिक्वायर्ड, जब ग्रोइंग होते हैं बर्ड्स या फ्रूट फॉर्म होता है या रूट ग्रो हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में ये प्रोसेस के थ्रू सारे पार्ट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ पे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम known as vesicular system or bundles, okay? कि किस तरह से xylem and phloem plant की body में arrange होके food and water का transport करती है। That time ये जो पूरी उसकी arrangement है, okay? तो इस arrangement को हम vesicular system कहेंगे। Clear? कि vesicular system क्या है? तो वेसिकुलर सिस्टम इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, और वो क्या काम करती है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड एंड अदर अमाइनो एसिड्स एंड हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। क्लियर, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।